Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफिया से होंगे. कंप्यूटर हम स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास. यूनिट नंबर 3. कि अगेन एंड अगेन जो है वो करवाना हो. अब उसमें भी बात आ जाती है कि फॉर नेक्स्ट लूप जो है वो हमें जो है वो सपोर्ट करती है. कब? अगर हमें पहले से मालूम हो कि हमने कितनी दफा ये काम करवाना है, 2 times इसको रिपीट करवाना है, 5 times करवाना है, 10 times करवाना है, 1000 times करवाना है, यानी कि अगर पहले से हमें पता हो कि ये काम इतनी बार हम करवाएंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर नेक्स्ट लूप जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं. इसमें फॉर और नेक्स्ट दो इसमें जो है वो हम रिजर्व वर्ड जो है वो यूज करते हैं. फॉर के बाद जो है वो हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, जिस वेरिएबल पर हमने कंडीशंस लगा ली होती हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वापस हमें इसी लूप पर लेकर आता है कि कब तक, जब तक वो कंडीशन हमारी जो है ट्रू रहती है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, फॉर नेक्स्ट लूप से कंट्रोल जो है वो बाहर निकल आता है, शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट जो नेक्स्ट के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं उन पर. इसको एक एग्जांपल की मदद से जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं. एग्जांपल है जी, लेट्स कंसीडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. ये हमें एक सीरीज दी जा रही है 2, 4, 6, 8 up to 100. ये सीरीज दी जा रही है प्रोग्राम की मदद से, हमने इसका जो है वो सम ले रहे हैं. तो सबसे पहले सीएलएस की स्टेटमेंट हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं. लाइन नंबर 20 पर जो है वो आप एक वेरिएबल ले लिया जिससे आपने इनिशियलाइज करवा दिया 0 से, तो स्टार्ट में उसके पास कोई भी जो है वो वैल्यू मौजूद ना हो. उसके बाद आप लूप लगाएंगे फॉर एन इज इक्वल टू 2 से आप स्टार्ट करेंगे 100 स्टेप 2 2 टू 100 स्टेप 2 और उसके बाद n इज इक्वल टू n प्लस 2 2 ये वेरिएबल आई है n प्लस i. लाइन नंबर 50 पर जब हम नेक्स्ट आई पर मूव करते हैं, लाइन नंबर 60 पर जो है वो आप प्रिंट करवा लेंगे. सम और प्रिंट हमने यहां पर जो है वो एन करवाना है, और लाइन नंबर 70 पर जो है वो एंड करवा देंगे. अब अगर इसको देखते हैं तो ये हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया 0 के पास, 0 के साथ मींस के स्टार्टिंग पर इसमें पास कोई वैल्यू फॉर लूप हमने लगाई है. ये हमने यहां पर जो है वो कंडीशन लगाई है, एक वेरिएबल ये आई जिसको इनिशियलाइज करवाया 2, 2 से उसको स्टार्ट करवा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं 100 तक जा रहे हैं, और हर बार उसमें 2 का इंक्रीमेंट जो है वो आप डाल रहे हैं, यानी कि 2 2 के बाद 2 का इंक्रीमेंट आएगा 4 6 8. इस तरीके से ये आपकी सीरीज जो है वो चलती जाएगी. और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप क्या कहते हैं, एन इज इक्वल टू एन प्लस आई. आप यहां पर एन की वैल्यू क्या थी 0, आई की वैल्यू आ गई 2, यहां पर मिला इसको 2 और नेक्स्ट आई. अब आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट के साथ यहां पर जो है वो 4 हो चुकी है, 4 आएगी. एन की वैल्यू आप यहां पर 2 स्टोर कर चुके हैं, 2 प्लस 4 यहां पर 6 आ जाएगा. इस तरीके से ये लूप आपकी जो है वो रिपीट होती रहेगी उस वक्त तक जब तक 100 और उसके बाद
102 जैसे ही वैल्यू यहां पर आएगी ये लूप फॉल्स होगी, ये यहां से स्किप करेगी, यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट पर आ जाएगी। लास्ट पर जो यहां पर एन के पास मौजूद होगा वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा, वो हमारा जो है वो सम होगा। इस तरीके से ये फॉर नेक्स्ट लूप जो है वो हमारे लिए काम करती है। इसको देखें, इसको अंडरस्टैंड करें, इसमें जो वेरिएबल्स है इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये आपने जो है वो वेरिएबल इस्तेमाल किया जिसको इनिशियलाइज करवाया स्टार्टिंग वैल्यू के साथ और एंडिंग वैल्यू के साथ, कि स्टार्ट कहां से आपने कर रहे हो एंड कहां पर कर रहे हो, उसमें इंक्रीमेंट जो है वो कितने का आप जो है वो ले रहे हैं। तो ये जाहिर जो सीरीज जो हमें कंडीशंस बताई गई उनके मुताबिक आपने उसमें जो है वो इंक्रीमेंट यहां पर उसमें टू का जो है वो इजाफा होता चला जाएगा। और यहां पर जो है ये आपने उसको बताया कि नेक्स्ट वो क्या करे कि ये इसके अंदर जो है वो आप उसको जो है वो ऐड करवाते जा रहे हैं जो आई की वैल्यू आपके पास जो है वो आती जा रही है। तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।